Friends and welcome to the exams made simple. We are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 8th of December 2023. 8th December 2023 का the Hindu analysis देखेंगे. सबसे पहले start करते हैं. हालांकि front page में आपको कोई news ऐसी नहीं मिलेगी जो exam point of view से आपके लिए important हो. तेलंगाना CM की बात आई है. इसके अलावा जो aid की बात आई है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को दी जा रही है. तो इससे exam point of view से कोई ऐसा question तो नहीं आएगा जो कि आपके लिए important हो. तो start करते हैं. थर्ड पेज पे आते हैं जहाँ पे हमको मिलेगी एक important news जो हट्टी कम्युनिटी से रिलेटेड है. तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक तो डायरेक्टली कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि ये कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है, कौन से स्टेट में पाई जाती है, हम एज द कॉलम कर सकते हैं. या फिर पूछ सकता है कि हट्टी कम्युनिटी रिसेंटली न्यूज में थी, क्यों थी, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस, पूछा भी गया है ऐसा. तो पहले बात तो याद रखिएगा कि जो हट्टी कम्युनिटी इट इज इन द हिमाचल प्रदेश स्टेट. पहला जो पार्ट है अपना वो हिमाचल प्रदेश स्टेट, ये क्लियर हो जाएगा. तो ये एक सिंपल क्वेश्चन कि हट्टी कम्युनिटी कहाँ से है या मैच द कॉलम में आया तो आप कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट है क्यों न्यूज में थी, क्योंकि नाउ दे आर प्रोटेस्टिंग एंड डूइंग सम ऑफ द वॉयलेंस फॉर ग्रांटिंग देन द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस. हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का, इट हैज ऑलरेडी ग्रांटेड द एसटी स्टेटस टू द हट्टी कम्युनिटी, बट इट वॉज ग्रांटेड बाय द सेंट्रल and now the state is not implementing this order. The simple thing is that the state is not implementing this order and there is a delay in that, and that is the reason why this Kendri Hatti Samiti has started doing this protest and all. So that is, these are the two things for which this question can come, and you have to be prepared with these two points. ठीक है ना. तो start करते हैं. आगे आते हैं लास्ट पेज में जहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं. पहली न्यूज़ है 6% ऑफ द कफ सिरप सैंपल्स फेल एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्ट. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि गैम्बिया जो कंट्री है, उज़्बेकिस्तान एंड कैमरून, वहाँ पे हमारे कई सारे ड्रग्स जो ड्रग्स थे और कफ सिरप्स थे, वहाँ पे कई बच्चों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ दीज, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई गैम्बिया, उज़्बेकिस्तान, कैमरून ने हमको प्रॉम्प्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यू हैव टू टेक रिमेडियल एक्शंस. सो आफ्टर दैट वी हैव रैम्ड अप आर एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्ट. जो हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्ट है उसको हमने इंप्रूव किया और ज़्यादा किया. एंड नाउ CDSCO विच इज़ द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज. याद रखिएगा CDSCO क्या है, इट इज़ द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज. इसने अभी रिसेंटली कहा है कि जो मैंडेटरी क्वालिटी टेस्ट है उसमें 6% जो कफ सिरप्स हैं, 6% ऑफ द कफ सिरप्स दे आर फेलिंग इन दैट. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. आप इसको मेन्स आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं. कई बार क्या होता है, एक क्रिटिकल एनालिसिस करने का आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्रिटिकली एनालाइज. अगर आपसे बोले इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्रिटिकली एनालाइज, तो यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट बताने पड़ेंगे. ऑब्वियसली वी आर द ग्लोबल लीडर इन जेनरिक मेडिसिन. अगर हम जेनरिक मेडिसिन की बात करें तो 20% ऑफ द शेयर ऑफ द ग्लोबल सप्लाई बाय वॉल्यूम ये इंडिया ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, 20% शेयर ऑफ द ग्लोबल सप्लाई बाय वॉल्यूम. दूसरा पॉइंट अगर हम देखें कि वाई वी आर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो वी सप्लाई टू नियरली 100 कंट्रीज. हमने कोविड के टाइम में वैक्सीन दी 150 कंट्रीज से ज्यादा, जहां पे हम मेडिसिन सप्लाई करते हैं. तो दीज आर द पॉइंट्स दैट विल सपोर्ट आर आर्ग्यूमेंट दैट यस वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. बट जब क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आएगा तो वहां पे हमको थोड़ा बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है. तो वहां पे वी कैन ऐड अ पॉइंट दैट कि 6% ऑफ द ड्रग्स रिसेंटली, जो कि CDSCO ने खुद अपना ऑफिशियल कहा है कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्ट फेल करते हैं. तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज ऑल देयर, बट वी हैव टू सॉर्ट out that we have to have good checks and balance checks there, proper testing honi chahiye, hai na. All these things are there which is important because medicine sector itna important sector hai ki agar thoda sa bhi mishappening hota hai to bahut bada koi ek tarike se kehna chahiye atrocity type ki cheez ho sakti hai, bahut sare log mar sakte hain, all these things can happen. And central government has also admitted in the parliament that WHO has issued a medical product alert for a batch of gefenciclovir syrup. तो गियाफेंसिन सिरप है, ये भी इंडियन कंपनी है, उसके लिए WHO ने ऑलरेडी मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट रिलीज किया हुआ था. तो ये भी हमने एक्सेप्ट किया कि यस दे वर ऑफ नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दैट. इसके अलावा जैसे CDSCO है उसने कुछ और चीज़ें की हैं, स्पेशली विद द स्टेट ड्रग अथॉरिटी ऑफ पंजाब. जैसे उन्होंने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन किया है कई फार्माकेम कंपनीज का, फार्माकेम लिमिटेड है वहाँ पर, है ना. एंड दे हैव बीन टेस्टेड एंड ट्राइड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जिसके अंदर ये CDSCO काम करता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940. तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट है. वहाँ पर कई चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी, दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑफ द
स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। अब यहाँ पे प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आएगा तो देखो स्टेटमेंट टाइप दो तीन स्टेटमेंट बना करके दे देगा कि भैया अभी CDSCO है जैसे, तो उसके बारे में दे देगा कि इट इज़ द रेगुलेटरी बॉडी फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड दिस एंड दैट। इसके अलावा दूसरा दे देगा कि गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून ने अभी इंडियन मेडिसिन के बारे में ऐसा कहा था। तो ये आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट इंसिडेंट कि हाँ ये चीज़ हुआ था, है ना, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर का अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस बताऊं तो ये 1.72% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट करता है, है ना। तो याद रखिएगा हमारी GDP का 1.72% ऑफ GDP इज इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा जो यहाँ पे छोटा सा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ये है हेल्थ इमरजेंसीज आफ्टर द फ्लड्स। अब अभी आपको पता होगा कि जो एक साइक्लोन आया है ना, साइक्लोन के बाद, साइक्लोन का जब लैंडफॉल होता है उसके बाद रेनफॉल होती है बहुत सारा और वहाँ बारिश होती है, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो एक फ्लड लाइक सिचुएशन आती है ना। आंध्र प्रदेश में फ्लड लाइक सिचुएशन आ गई है। तो साइक्लोन, फ्लड्स एंड दिस वाटर विच इज कमिंग, इट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है केवल वाटर के कारण ही बहुत सारा प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, उसके बाद इस वाटर के रेसिडेंस के कारण बहुत सारी डिसीजेज आती हैं। फॉर एग्जांपल फ्लड्स की नॉर्मल मैं बात करूं कि फ्लड्स डिसरप्ट द एक्सेस टू फूड, सिंपल सी बात है, फ्लड्स डिसरप्ट द एक्सेस टू फूड, एक्सेस टू वाटर, एक्सेस टू सेफ शेल्टर, एंड दे जियोपार्डाइज द कम्युनिटीज एबिलिटी टू गेट द हेल्थ केयर सर्विसेज दैट दे नीड, है ना। तो दे जियोपार्डाइज द कम्युनिटीज एबिलिटी टू गेट द हेल्थ केयर सर्विसेज दे नीड, आप नहीं जा पाओगे। इसके अलावा कंटैमिनेशन ऑफ वाटर, अगर कंटैमिनेशन ऑफ वाटर हुआ तो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, दे विल स्टार्ट पोरिंग इन, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर विच आर फॉलोइंग दिस फ्लडिंग एंड विच इज फॉलोइंग दिस लैंडफॉल एंड ऑल। इसके अलावा हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि वी शुड इंश्योर दैट द अफेक्टेड गेट्स द रेमेडी, द अफेक्टेड पर्सन आर गेटिंग द प्रॉपर हेल्प, दे आर गेटिंग फूड, है ना, एंड वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स रिस्टोरिंग द प्राइमरी केयर सर्विसेज। क्या करना है हमको, वी हैव टू रिस्टोर द प्राइमरी केयर सर्विसेज, वी शुड जैसे जो अपना मोबाइल हेल्थ टीम्स है, सपोज करो टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ टीम्स आउट, मोबाइल हेल्थ टीम्स का आउटरीच, ये सब हमको मेक श्योर करना है कि होता रहे। प्लस एपिडेमिक सर्विलेंस, एपिडेमिक सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा तो नहीं कि कोई महामारी जो है वो फैल जाए रिलेटेड टू दैट, एंड ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक्यूट डायरियल डिसीज जो होती है, एक्यूट डायरियल डिसीज, कॉलेरा, डायरिया, आपको ऑलरेडी पता है कि अंडर फाइव, बिलो फाइव मॉर्टेलिटी में सबसे बड़ा रीजन डायरिया है। तो एक्यूट डायरियल डिसीज हो गया, कॉलेरा हो गया, दे कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाई इंश्योरिंग सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो अगर आप सेफ वाटर एंड सैनिटेशन मेक श्योर कर पाओगे तो दैट कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड मैंने आपको क्या बताया, क्या दो चीजें बताई, एक तो आपको क्या इशूज है फ्लडिंग इस तरीके की और जो ये अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल होता है, ये सारी चीजों का हमने इंपैक्ट बताया और उसका सोल्यूशन बताया कि उस समय करना क्या है आपको। तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी मेक श्योर कि आप इसको यूज करें अपने आंसर राइटिंग में, इसको इंक्लूड करें, ठीक है ना। नाउ द थर्ड इज इंप्रूव्ड ड्रग रेजिमेन फॉर TB लाइकली टू रिड्यूस द ट्रीटमेंट टाइम। अब ये आर्टिकल जो है किस चीज की बात करता है, तो द यूनियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग हेल्थ 2023 हुआ था, तो अभी वहाँ पर रिसेंटली बहुत सारी चीज़ डिस्कस की गई, इसमें स्पेशली TB के कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए। और मैं आपको बताता हूँ इस आर्टिकल का मेन क्रक्स क्या है। इस आर्टिकल का मेन क्रक्स ये कि जो टीबी का जो ट्रीटमेंट है, द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊंगा, दिखा भी दूंगा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि लगभग 14,000 pills आपको लेनी पड़ती हैं 24 महीनों के अंदर, 24 months, 14,000 pills यू हैव टू टेक इन ऑर्डर टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ दैट ट्रीटमेंट। अब आप सोचो कि इतनी मेडिसिन अब आप लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा टॉक्सिसिटी आएगी। फर्स्ट पॉइंट इज द टॉक्सिसिटी पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज दैट कि एक तो आप खुद फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन में चले जाओगे आफ्टर टेकिंग दीज मेनी मेडिसिन। एंड देयरफॉर होता क्या है कि ये जो मेडिसिन रिजीम है ये कंप्लीट नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द रिजीम देन दे विल नॉट बी एबल टू गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट। आप अपना ट्रीटमेंट ही नहीं कंप्लीट कर रहे हो। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या हो सकता है अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस को रोकना है, कि यू शुड हैव शॉर्टर रिजीम, आपको शॉर्टर रिजीम की मेडिकेशन चाहिए, मतलब कि जो उसका ट्रीटमेंट 6 महीने में खत्म हो जाए, जिसका ट्रीटमेंट 5 महीने में खत्म हो जाए। तो यहां पे वही चीज आर्टिकल में लिखी गई है कि नाउ इट इज वेरी क्रिटिकल दैट वी स्केल अप टू अ 6 month शॉर्टर रिजीम फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, है ना। ऑब्वियसली बात है अगर आप अपनी मेडिकेशन पूरी नहीं करोगे तो वो भी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR टीबी, XDR टीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि
बेडाक्यूलिन और लिनेजॉइड जॉलिड नाम की जो दवाइयाँ आती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, वो ले नहीं पाते, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बस आपको पॉइंट्स क्या याद करने हैं, पॉइंट्स ये याद करने हैं कि इसका ट्रीटमेंट में कितना लंबा समय लग सकता है। पहली चीज़ 14,000 पिल्स और 24 महीने। दूसरा, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, शॉर्टर टीबी रिजीम जो होता है मेडिकेशन का, वो अगर आप अप्लाई करें तो वो दैट कैन बी अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर दैट, है ना। यहाँ देखो जो मैंने आपको बताया जो फैक्ट्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, दे आर वेरी इनफेक्टिव, ओनली 59% ट्रीटमेंट सक्सेस होता है। 2018 का डेटा है कि उसमें केवल 59% ट्रीटमेंट ही सक्सेसफुल रहा, मतलब 41% नॉन सक्सेसफुल रहा, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि लोगों को बहुत पेन होता है, मंथ्स ऑफ पेन इंड्योर करना पड़ता है, डेली इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, 14,000 पिल्स 24 महीने के अंदर लेनी पड़ती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट दैट रिजीम, है ना। एंड दैट इज द रीजन वाई वी हैव हायर नंबर of MDR-TV, XDR-TV, DR-TVs, and we can sort that out by having a shorter regime medication. So that is what the work is going on. इसके अलावा एक और टर्म यहाँ पे इस आर्टिकल में था, स्पूटम स्पीयर माइक्रोस्कोपी। याद रखिएगा, स्पूटम स्पीयर माइक्रोस्कोपी जो है, इट इज द मेथड ऑफ डायग्नोस्टिक्स, और जो कहते हैं ना कि टीवी डायग्नोस्टिक्स का एक मेथडोलॉजी है जो कि मोस्ट प्रिवेलेंट मेथडोलॉजी है इंडिया में, स्पूटम स्पीयर माइक्रोस्कोपी। बट इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव बिकॉज इसमें भी बहुत सारे मिस्ड केसेस हो जाते हैं, देयर आर मेनी मिस्ड केसेस इन दिस केस, एंड इसकी सेंसिटिविटी केवल 50% है, द सेंसिटिविटी इज 50%, एंड देयरफॉर ह्यूज बर्डन ऑफ मिस्ड केसेस इन द कंट्री आर देयर। नाउ व्हाट द सॉल्यूशन, द आर्टिकल इज सेइंग दैट कि आपके पास एक्सरे और एआई असिस्टेंस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, नाउ यू हैव एक्सरे बेस्ड एंड एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज व्हिच कैन फ्लैग दीस केसेस, व्हिच कैन फ्लैग दीस एबनॉर्मेलिटीज, एंड दे कैन हैव अ मच बेटर डायग्नोसिस, है ना। AI assisted cuff diagnosis आप करेंगे तो you can get a much better result। इसके अलावा author ने ये भी कहा है कि there are new advances in molecular detection of TB। For example, यहाँ पे product बना है faster nucleic acid amplification test, NAAT जिसको कहा जाता है, इसको भी आप अपने notes में add कर लीजिएगा, NAAT test। अगर आप mains answer writing में लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास prelims में directly NAAT का question आ गया तो क्या है कि तो वो भी आप बता देंगे कि nucleic acid amplification test बोलते हैं। एंड यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग और इन सब का मेथडोलॉजी यूज करके बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है कि जो हिडन केसेस हैं टीबी के वो भी मिल जाएंगे, तो जो अपना अभी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं केसेस की वो नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन दीज थ्री आर्टिकल्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या न्यूज आर्टिकल्स हैं। नाउ वी कैन मूव हेड, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर एक न्यूज है, सुनाक ऑन शेकी पॉलिटिकल ग्राउंड, डिफेंस न्यू रवांडा डिपोर्टेशन बिल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूके में एक पॉलिसी चल रही थी कि जो भी इलीगल माइग्रेंट या माइग्रेशन होगा उनकी तरफ, उसको वो एक सेफ कंट्री के रूप में रवांडा भेजने वाले हैं। रवांडा आप सबको पता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करती है, तो काफ़ी लोगों ने इसका अपोज किया था क्योंकि पहले जो यूके सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है रवांडा पॉलिसी, इट इज़ अनलॉफुल क्योंकि इट डिटरमाइंड दैट रवांडा वाज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर द रेफ्यूजीज, है ना। तो यूके सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू पास अ बिल ऑन दैट, दे आर मेकिंग ट्राइंग टू मेक अ लॉ ऑन दैट, एंड इफ द बिल पासेज देन इट विल बी अ विक्ट्री फॉर ऋषि सुनाक, बट इफ द बिल फेल्स इट विल बी अ वेरी संकिन पॉइंट फॉर हिम, है ना। तो रवांडा पॉलिसी अगर पूछे कि कौन सी कंट्री की है तो आप बता सकते हैं, दैट इज़ योर थिंग, यू कैन डू दैट। आगे देखते हैं बिजनेस पेज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्राइसिस लूम्स लार्ज एज डिमांड हिट्स अ लो। नाउ दिस अ वेरी गुड आर्टिकल ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं कि क्यों हमारी फैक्ट्रीज शट हो रही हैं, क्या रीज़न है उसके। सबसे पहली बात तो एक फैक्ट जान लेते हैं कि मेनी फैक्ट्रीज अक्रॉस द टेक्सटाइल वैल्यू चेन हैव आइदर शट डाउन एंड डिस्पोज्ड ऑफ द मशीनरी और सोल्ड एक्सेस लैंड्स टू स्टे इन द बिजनेस। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिन्होंने या तो अपनी वैल्यू चेन्स को बंद कर दिया है या फिर उन्होंने अपने लैंड को बेच दिया है, मशीनरी बेच दी है, इन ऑर्डर टू बी इन द बिजनेस, ठीक है ना। वर्किंग आवर्स हैव रिड्यूस्ड फॉर लेबर्स, वर्किंग आवर्स रिड्यूस किए गए हैं। अब वर्किंग आवर्स रिड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली बात है जो वेजेस हैं वो कम हो जाएगी, है ना। दैट इज द रीजन वाई द शेयर ऑफ द टेक्सटाइल अपेरल इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज ऑल्सो श्रंक। अगर आप टेक्सटाइल या अपेरल सेक्टर को देखें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, तो उसका जो परसेंटेज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है फॉर दिस क्राइसिस इज द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लो डिमांड इन बोथ एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक मार्केट। इट इज़ द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लो डिमांड
the demand is low in both the export and domestic market. And the domestic demand is basically tepid through, though retail sales during the festival season this year was on par. मतलब फेस्टिवल सीजन में बिक्री हुई फिर भी जो डोमेस्टिक डिमांड थी बहुत टेपिड बहुत कम थी है ना. दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री. जो इंडियन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री है देर आर मल्टीपल इशूज जैसे कि रॉ मटेरियल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, एस्केलेटिंग इनपुट कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट लग रहा है पूरा प्रोडक्शन में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स बहुत सारे निकल आए तो मल्टीपल क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आर देयर, इंपोर्ट ऑफ गारमेंट्स में फिर जो पॉलिसीज हैं है ना, ऑल दिस आर अ फ्यू रीजंस की क्यों हमारी जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है वो इतनी सस्टेन नहीं कर पा रही है. रॉ मटेरियल की बात करें यानी कि फाइबर की बात करें तो इट कंस्टिट्यूट 60-70% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. मेन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो रॉ मटेरियल्स की आती है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, विच इज टर्निंग ऑन टू बी वेरी एक्सपेंसिव. अब का कुछ भी रीजन हो सकता है कि कॉटन का प्रोडक्शन अगर कम हुआ सपोज करो, क्योंकि कॉटन फैब्रिक बहुत ज़्यादा यूज होता है, इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर इज लार्जली कॉटन बेस्ड है ना, तो अगर कॉटन की ही प्रोडक्शन कम हो जाएगी डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है जब सप्लाई कम रहेगी तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है. नाउ सुप्रीम कोर्ट मेक्स वीडियो ऑन केशवानंद भारती जजमेंट अवेलेबल. तो जो केशवानंद भारती जजमेंट था 1973 24 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, 13 जजेज इन्वॉल्व थे इसमें, 7-6 की मेजोरिटी से बेसिक स्ट्रक्चर लाया गया था और ये कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और एब्रोगेट द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना. तो इन दिस जजमेंट बाय 7-6 मेजोरिटी इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और एब्रोगेट द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स और द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा गया, उनको बेसिक फीचर्स उनको हम बोलते हैं है ना, जिसमें रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ऑल दिस थिंग्स वर इन्वॉल्व. अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, क्वेश्चन पूछता रहता है कहीं ना कहीं. तो एक बार अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं कि वॉट आर द वेरियस थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द केशवानंद भारती जजमेंट, तो दैट विल बी वेरी गुड थिंग. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो एक आर्टिकल है रेगुलेटिंग डीप फेक्स एंड AI इन इंडिया. डीप फेक्स आप सबको पता है कि क्या है. डीप फेक्स आर द पॉलीमॉर्फिक या मेटामॉर्फोज्ड इमेजरी जो कि बनाई जाती है जिसमें कि एक मिमिक करता है AI के माध्यम से एक फेक चीज़ को एक बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है. वीडियोज़ हो सकते हैं, फोटोज़ हो सकते हैं, साउंड हो सकते हैं है ना. यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि क्या क्या एग्जांपल्स है. तो एक मनोज तिवारी जो BJP के हैं उनका एक मॉफ्ड वीडियो था, दूसरा उन्होंने कमलनाथ कांग्रेस का एक वीडियो था, एक्टर एक्ट्रेसेस में रश्मिका मंदाना का केस हम जानते हैं ऑलरेडी, ऑल दीज थिंग्स आर देयर जो कि ऑलरेडी हो चुकी हैं. इसके अलावा इंटरनेशनली अगर हम देखें तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का भी एग्जाम्पल है जहाँ पर उन्होंने अपनी कंट्री में से कहा कि हथियार डाल दो, ऐसा करके एक वीडियो भी आया था. तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. डीप फेक्स बेसिकली अगर आप देखें तो AI मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है, फिक्शन और रियलिटी के बीच में जो लाइन है बिल्कुल ब्लर कर दी जाती है, देयर इज़ नो लाइन बिटवीन द फिक्शन एंड द रियलिटी है ना, एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर. इसमें क्या होता है कि इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं, जैसे कि एजुकेशन में, फिल्म प्रोडक्शन में, क्रिमिनल फोरेंसिक्स में, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में, एंड दे कैन बी यूज टू एक्सप्लॉइट पीपल ऑल्सो, सबोटेज इलेक्शंस ऑल्सो इन द लार्ज स्केल मिस इन्फॉर्मेशन अगर आप कर दोगे ऑब्वियसली दे कैन सबोटेज द इलेक्शंस, दे कैन एक्सप्लॉइट पीपल एंड ऑल दिस थिंग्स. तो दोनों इट्स अ डबल एज्ड सॉर्ड. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या लॉज है अगेंस्ट द डीप फेक्स, तो इंडिया में कोई स्पेसिफिक AI रिलेटेड लॉज नहीं है याद रखेगा, लेकिन हमारे पास जैसे सेक्शन 66E है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, इट इज एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ डीप फेक क्राइम्स एज वेल है ना, जहाँ पे आप पर्सन के इमेज को लेते हो, ट्रांसमिट करते हो, वायलेट करते हो उसकी प्राइवेसी को, तो 66E हो गया. इसके अलावा ऑफेंसेज लाइक सेक्शन 67, 67A, 67B ये हो गया, तो इसमें ये इनका भी यूज़ किया जा सकता है इन ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग डीप फेक्स दैट आर ऑब्सीन और कंटेन सेक्सुअली एक्सप्लॉइट मैटर्स एंड ऑल. IT रूल्स ऑल्सो प्रोहिबिट होस्टिंग एनी कंटेंट दैट इम्पर्सनेट्स अनदर पर्सन. IT रूल्स खुद बोलता है कि भाई यू कैन नॉट इम्पर्सनेट अनदर पर्सन, सो दैट इज़ अनदर थिंग है ना. एंड आर्टिफिशियली मॉफ्ड इमेजेस हैं, यू कैन सी दैट. ये भी सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब ऑलरेडी IPC और इन सब रूल्स में कनेक्टेड है. लेकिन हमको करना क्या है, हमको ऑब्वियसली बात है US एग्जाम्पल हो तो वहाँ पर डीप फेक्स अकाउंटेबिलिटी बिल लाया गया है. डीप फेक्स अकाउंटेबिलिटी बिल यूरोपियन यूनियन ने AI एक्ट लेकर के आया है. इसके अलावा GPAI यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि 2020 में बनाया गया था जून में, तो वो भी उसकी मीटिंग अभी होने वाली है नेक्स्ट वीक. तो ऑल दिस थिंग्स आर द एग्जाम्पल्स जहाँ पे हमको ये देखना है कि हम किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल जो हाइब्रिड मॉडल है रेगुलेशन का वो ले सकते हैं इंडिया के लिए, एंड वी कैन पुट अ कर्ब ऑन दीज एक्टिविटीज़.
आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, लीड एडिटोरियल, वो है इंडियाज ग्रोइंग नेबरहुड डिलेमा। अभी आर्टिकल हैप्पी मॉन जैकब ने लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं हैप्पी मॉन जैकब। तो इस आर्टिकल में जो बात चली है वो चली है इंडिया का नेबरहुड डिलेमा, जो कंट्रीज हैं हमारे आसपास की, किस तरीके से हम उनसे अभी परेशान चल रहे हैं। तो अगर सबसे पहली अगर हम बात करें तो हमारे नेबरहुड में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सबसे पहली बात है कि राइज ऑफ द पॉलिटिकली एंटी इंडिया रेजिम्स इन साउथ एशिया। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज राइज ऑफ एंटी इंडिया रेजिम्स इन साउथ एशिया। मालदीव्स की हम बात कर लें, वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, ठीक है, दिस इज वन एग्जाम्पल। अगर हम देखें यहाँ पे तो बांग्लादेश में भी थोड़ा एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड जो इलेक्शन होने वाला है बांग्लादेश में, उसमें खालिदा जिया का काफ़ी ज़्यादा लीड रोल चल रहा है, तो खालिदा जिया इज़ एंटी इंडिया, तो वहाँ पे एक हमको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड जो है नेबरहुड स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ पे ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, देर इज अ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड दैट इज द सेकंड मेजर प्रॉब्लम। द थर्ड इशू बेसिकली इंटेंगलमेंट, और जैसे बहुत सारी पॉलिसीज हैं चाइनीज, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें जो कंट्रीज इंक्लूड होती जा रही हैं, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। इसके अलावा तालिबान लेड अफगानिस्तान, इसके अलावा मिलिट्री जंटा लेड यूरोप म्यांमार, दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। क्राइसिस हिट श्रीलंका, तो कहीं पे भी पीस नहीं है हमारे किसी नेबर के पास। हम ये नहीं बोल सकते कि यस वी आर फाइनली हैप्पी विद दिस नेबर, आई थिंक अदर देन भूटान, एंड वहाँ पे हमको कुछ ऐसा कुछ खास मिलेगा नहीं। तो दैट दीज आर द थिंग्स विच आर ऑलरेडी देयर, प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी। कुछ और चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि एक ऑथर ने एग्जाम्पल दिया कि साउथ मतलब US जो पहले था, पहले हमको इतना इम्पैक्ट नहीं मिल रहा था US से, हमको कोई बेनिफिट नहीं था, अब हमारा US के साथ पार्टनरशिप काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन एशिया में जो US का प्रेजेंस था वो अब घटता जा रहा है। तो एशिया में जो प्रेजेंस घटता जा रहा है उसका हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता जा रहा है। तो दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज कि US अगर हटेगा तो ऑब्वियस बात है चाइना एक डोमिनेंट रोल लेगा, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक फॉर इंडिया, ठीक है ना। एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वो हम टेलर नहीं कर पा रहे हैं फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ ऑल आर नेबर्स, फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द इंटरनेशनल, जैसे कि US और USSR को कैसे एक साथ रखना है, इसराइल को और ईरान को कैसे एक साथ रखना है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, जहाँ पे हम इंटरनेशनली थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन आर पॉलिसी मेकिंग, है ना, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। इसके बाद ऑथर ने कुछ और रीजंस दिए हैं कि क्या कारण है कि हमारा जो मतलब डिलेमा है एक्सटर्नल अफेयर्स में क्यों आ रहा है। तो ऑथर ने कहा कि भैया दिक्कत क्या हो रही है, ऑथर ने कहा कि हम एक तो ये सोचते हैं कि हम साउथ एशिया में अच्छा पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान एंड ऑल, है ना। तो ये हमने एक अजम्पशन बना लिया है कि हम वी विल एक्सक्लूड पाकिस्तान इन एवरीथिंग, दैट इज़ द फर्स्ट अजम्पशन दैट हैज़ गॉन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कि वो वहाँ पे हमको थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। एंड दूसरा हमको रिट्रोस्पेक्ट करना है कि किस तरीके से मतलब जो हम प्रोएक्टिवली साउथ एशिया में चाइना के इन्फ्लुएंस को घटा करके अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं, तो दैट इज़ द सेकंड पॉइंट जहाँ पे हमको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, ऑथर ने ये बताया है। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि हमको हर चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जैसे हमारे नेबर्स हैं वैसे ही चाइना के भी नेबर्स हैं वो, है ना। तो कंट्रीज़ अगर चाइना के क्लोज जा रही हैं तो ऐसा है मतलब नहीं कि हमसे दूर जा रही हैं, हमको कोशिश करते रहना है हर स्टेप पे कि हम किस तरीके से उनको अपने बेनिफिट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, उनके किस तरीके से काम आ सकते हैं। एंड इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू मेक अ स्विच एंड एक्नॉलेज दैट साउथ एशिया एंड इट्स बैलेंस ऑफ पावर हैव चेंज्ड फंडामेंटली, हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड जो इंडिया प्राइमेसी इन्जॉय करता था ओल्ड साउथ एशिया में, वो अभी इस समय नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड ऑल, एंड इंडियाज नेबरहुड एंड पेरिफेरी आर चाइनीज टू, जैसा कि ऑथर ने कहा। तो अगर हमको नहीं पसंद है तो भी वो चीज़ है, एंड इसीलिए हमको प्रैग्मेटिक फ्रेमिंग करनी पड़ेंगी अपने पॉलिसीज़ की। न्यू दिल्ली मस्ट प्रोएक्टिवली परस्यू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेंडली एक्सटर्नल एक्टर्स इन द रीजन, जो फ्रेंडली एक्सटर्नल एक्टर्स हैं उनको हम इंक्लूड करें रीजन में, जापान हो गया उसका थोड़ा इन्फ्लुएंस करें, हाँ पॉलिसीज़ को थोड़ा सा डील करें कि सिनोसेंट्रिक मतलब कैसे रीजन एक ही मात्र तरीका ना रह जाए, है ना, कि सीनो सेंट्रिक हो गया, चाइनीज सेंट्रिक हो गया, हमको हर चीज़ देख के चलना है। एंड हमारी डिप्लोमेसी को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, मल्टीपल एक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी केवल ये नहीं है कि हम जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से दूर रखें, बल्कि जो हमारे पास आ सकते हैं उनको पास भी करना है, ठीक है ना। दूसरा आर्टिकल बहुत जल्दी से मैं आपको बताऊंगा, प्रॉब्लमेटाइजिंग द पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो भैया पीरियड आपने बना दिया कि एंशियंट इंडिया है, मिडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, सबसे पहले ऑथर ने कहा कि ये एक यूरोपियन कंस्ट्रक्ट है। जैसे यूरोप में क्या था कि रेनासा टाइम आया और उसके पहले बहुत ही ब्लैक पीरियड चल रहा था, तो ब्लैक पीरियड से जब रेनासा टाइम पर ये वाइट पीरियड में आए, मतलब इनको थोड़ा नॉलेज मिलना शुरू हुआ, तो इसको उन्होंने बोला कि भैया हम डार्क एजेस से अभी अब हम एक मॉडर्न एजेस की तरफ जा रहे हैं। बट ये चूँकि जो ये
यहाँ बैकवर्डनेस से प्रोग्रेस की तरफ जा रहे थे। इंडिया में उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया में उन्होंने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश तीन उसके कारण पीरियडाइजेशन किया। उन्होंने कहा कि जो मिडिवल टाइम था वो मुगल टाइम था, यानी कि जो मुस्लिम पीरियड है वो मिडिवल है। फिर उन्होंने बोला कि इंडिया को उस मिडिल पीरियड से निकालने के लिए हम ब्रिटिशर्स आए, है ना, ब्रिटिशर्स के एंड नाउ जब ब्रिटिशर्स आए तो उसको उन्होंने कहा कि अब हमने मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दिया। तो ऑथर ने कहा कि यहाँ पर उन्होंने इसको एक कम्युनिटी बेस्ड चीज़ बना दी पीरियडाइजेशन को, तो वो गलत था। दूसरा उन्होंने बोला कि जो पीरियड होते हैं मॉडर्न या मिडिवल वो बिल्कुल रिलेटिव चीज़ें हैं, वो ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट वर्ड का मतलब है कि चेंज होती रहती है ना, बहुत क्षणिक चीज़ है। तो कैसे ट्रांजिएंट है, क्योंकि अगर हम देखें कि आज के कंस्ट्रक्ट में 50 साल बाद या 100 साल बाद या 200 साल बाद क्या हम आज के टाइम को मॉडर्न बोलेंगे, तो दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन, है ना, हम नहीं कह सकते। तो हम पीरियडाइजेशन इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ दिस पीरियडाइजेशन जो है उस कारण से ऑथर ने कहा कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं एंड हमको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो यूरोपियन वे है। तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।